हम आ चुके हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की होम वेबसाइट पर, जिसके बाद जो उसके एडवर्टाइजमेंट और संशोधित विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। और दोस्तों जो रेट को लेकर जो सामान्य जो कन्फ्यूजन है उसको लेकर भी एक पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रेट को लेकर जो कन्फ्यूजन है, एक तो ईडब्ल्यूएस आपका कब का जारी होना चाहिए, भाषा परिवर्तन होगा या नहीं होगा, दो फॉर्म भरने वालों का क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट होने की क्या किस किस स्थिति में संभावनाएं हैं, तो इस बारे में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे कि ये जो सामान्य प्रश्नोत्तर की जो पीडीएफ है, मैंने अपना एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने अपलोड कर दी है। तो इस पीडीएफ को हम यहाँ से सीधा ओपन करते हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स अपने छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स को लेकर इतना डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दोस्तों सतर्क रहना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए अपने पर डर हावी हो जाए। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, स्टूडेंट ज़्यादा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं जाते, वो एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर नहीं पढ़ते, उसके बाद वो इधर उधर भटकते रहते, अपने साथियों से पूछते रहते। अब जो साथियों से जो पूछते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि उसके साथी ने भी नहीं देखा, उसके साथी ने भी कहीं से पढ़ा नहीं होगा, तो वो सब अपने अपने हिसाब से विचार बताते रहते हैं और उसके बाद जो स्टूडेंट्स है वो लगातार कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया इस पीडीएफ को पूरा, मैंने इसमें जो ईजी वे में बिल्कुल सॉल्व आउट करके आपको समझाया था। और दोस्तों आज भी ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा मैं जो इशूज़ हैं उस रिलेटेड कंप्लीट में पूरा बात रखने वाला हूँ आपके सामने। तो जैसा कि सबसे पहले जो AWS वाले जो सर्टिफिकेट के लिए पूछ रहे थे बार बार कि AWS का सर्टिफिकेट अभी जारी होना चाहिए या DV के टाइम जारी होना चाहिए, तो दोस्तों यहां पर आप इस वाली लाइन को क्लियर कट पढ़िएगा। यहां पर लिखा हुआ है जो अपने जो डिटेल्स भरनी है आपको, आदि विवरण 10 के सर्टिफिकेट के अनुसार भरना है, जो प्रमाण पत्र है उसके हिसाब, और किसी प्रकार की छूट संबंधी सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पूर्व जारी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जब कंप्लीट लिख दिया है बोर्ड ने जो अपनी पीडीएफ जो प्रश्नोत्तर वाले पीडीएफ में, कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको फॉर्म भरने की अंतिम डेट है उससे पहले जारी किया हुआ होना चाहिए। मतलब इस बात को आप समझ लीजिएगा दोस्तों, अभी आप भर रहे हैं आपको उससे पहले जारी हुआ होना चाहिए, आपको बनवा देना चाहिए, मेरा यही सुझाव है। क्योंकि जो वित्त वर्ष के हिसाब से जो एक्सपायर हो जाएगा, यूं करके बहुत से स्टूडेंट्स नहीं बनवा रहे, तो बाद में कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाद में बोर्ड क्या करे क्या नहीं, डिपार्टमेंट क्या करे, उसकी जो भविष्य का हालांकि कुछ बता नहीं सकते, लेकिन अभी की जो बात है यहाँ पर जो है छूट संबंधी सर्टिफिकेट आपका अंतिम तिथि से पूर्व जारी हो जाना चाहिए। तो इस बात को आप समझ लीजिए, न सिर्फ EWS वाले, जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो चाहे ST का हो, OBC का हो, जो भी सर्टिफिकेट है छूट संबंधी, वो आपका अंतिम तिथि से पहले जारी किया हुआ होना चाहिए। और एक इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज आ रहे थे कईयों के स्टूडेंट्स के, कि यहाँ पर हमने जो है दो फॉर्म भर दिए हैं तो उसके लिए क्या होगा। तो दूसरा एक जो बात बार बार सामने आ रही है कि जो बीएड डिग्रीधारी क्या कर रहे हैं, लेवल 1 का अलग भर रहे हैं, लेवल 2 का अलग भर रहे हैं। दोस्तों ऐसी गलती मत करना, आप जो पुराना फॉर्म है L2 वाला उसी एप्लीकेशन नंबर में उसको भरना, क्योंकि 200 रुपये जमा कराकर उसी को भर देना, वरना क्या होगा दोस्तों, जो आपके जो सेंटर हैं वो दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएंगे और उससे फिर आपको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों एग्जाम्स हैं वो उसी एक ही दिन होने वाले हैं, तो आप वहाँ पर फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले। दूसरी बात, यहाँ पर ये फॉर्म भरते समय आप कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको दूसरा फॉर्म नहीं भरना, उसको संशोधित कर देना है, संशोधित का मौका मिलेगा। संशोधित में क्या क्या संशोधित होगा वो भी मैं अभी क्लियर बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आपने दो फॉर्म भरे तो आपको दोनों फॉर्म के रोल नंबर जारी हो जाएंगे, परीक्षा आपको एक रोल नंबर पर ही देनी होगी। मतलब अगर आप दो फॉर्म भर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं, आपको दोनों रोल नंबर जारी कर दिए जाएंगे, दोनों एडमिट कार्ड मिलेंगे, उसके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हैं। अब एक जो बात आ रही है जो त्रुटि संशोधन वाली, दोस्तों तो आपको जो है आंशिक संशोधन 22 फरवरी से 25 फरवरी के बीच होगा, ये तो आपको पता ही है ऑनलाइन, जिसमें आप मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक में परिवर्तन अभी ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको रीट के कार्यालय जाकर ऑफलाइन करवाना होगा। लेकिन जो लेवल में परिवर्तन है वो उसमें कतई नहीं होगा, अगर आपने लेवल 1 में है और आपने लेवल 2 पर रखा है वो कतई नहीं होगा, 2 का है 1 नहीं हो पाएगा। अन्य सभी त्रुटियाँ जैसे पिता का नाम, पता, जाति, शैक्षणिक विवरण, यहाँ तक कि भाषा, जो लैंग्वेज भी आपने चूज कर रखी है, आपके सब्जेक्ट, फोटो, आपके हस्ताक्षर, अगर आपने काले पेन, ब्लू पेन, वो भी बहुत कन्फ्यूजन चल रहे हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विज्ञप्ति में लिखा था ब्लैक पेन से, तो उनको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड हर बार स्ट्रिक्ट होकर कुछ कार्रवाई कर देगा, लेकिन हमें भी थोड़ा मतलब विज्ञप्ति वगैरह पढ़ के, हम बहुत समझदार हैं, हमें पढ़ना भी आता है, तो हमें विज्ञप्ति पढ़ के फिर अपना जो काम है वो करना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने से फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहती हैं, और आप ये जो तैयारी का गोल्डन टाइम है इसमें जो अपना समय है वो बिल्कुल ही इन छोटी छोटी बातों में जाया करते हैं। तो दोस्तों यहां पर इन बातों को आप देख लीजिएगा, ये संशोधन आप कर सकते हैं भाषा वगैरह, तो वेबसाइट से आपको अपडेट रहना है। इसके बाद और जो एक इशू आ रहा था आयु सीमा वाला, दोस्तों यहां पर इन्होंने कंप्लीट लिख दिया है, जो रिट परीक्षा में के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, केवल ये एक क्या है, सिर्फ
पात्रता परीक्षा है और इसमें आप भर सकते हैं, कहीं कोई आयु सीमा की इसमें कहीं कोई बंधन वाली समस्या नहीं है। तो मैंने आपको छूट संबंधी बता दिया, ये जो बचे हुए जितनी भी बातें थी वो सारी बता दी। एक दोस्तों देखने ये लेवल 1-2 वाले जो हैं अलग अलग फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ दोनों परीक्षाओं के केंद्र बहुत दूर आएंगे जिससे आप एक परीक्षा से वंचित हो सकते हैं, इसलिए आपको जो अंतर राशि है वो जमा करके एक ही एप्लीकेशन में दोनों फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो ये मैंने कुछ जो इशू थे वो मैंने आपको अब बता दी। अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी कब जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है स्टूडेंट का कि ये बीएसटीसी बीएड का क्या मामला सुलटेगा। तो दोस्त वाले कैंडिडेट हैं या फिर चाहे बीएड वाले हैं, मैं किसी विशेष पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं जो अपना एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ दिखाने उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका कुछ अच्छा मोटिवेशन हो चुके और आप कुछ अपने जीवन है अपने माता पिता के सपने हैं उनको साकार करने के लिए अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ बेहतर कर सके। दोस्तों ये जो विवाद स्टार्ट हुआ जो एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है 23 जून 2018 उसके बाद से ये लगातार ये जो बातें हुई अलग अलग राज्यों में कई प्रकार के विवाद चल रहे हैं। वर्तमान में जो बीएड का जो पक्ष है वहां पर उन कहा जाता है अलग अलग राज्यों में लिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसके अलग अलग पहलू हैं। जैसे अभी कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई वहां पर जो अंतरिम फैसला दे दिया गया फॉर्म आपको सबमिट करवाए जाएंगे, वो अंतरिम फैसला होता है। अंतरिम फैसला और अंतिम फैसले में फर्क है ये सब आप सभी अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों इस अंतरिम फैसले के तहत जो है वर्तमान में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इसमें याचिकाकर्ता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बोर्ड ने संशोधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी है, तो इस बात से आप बिल्कुल चिंता मुक्त क्लेरिफिकेशन हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं अगर आपको L1 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों मैं पहली बात बता दूं, आप जो है रिट L1 की आप जो अपना जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए, क्योंकि दोस्तों अभी आप जो नीचे देख पा रहे होंगे उत्तराखंड में प्राथमिकता वाला जो प्रावधान लिखा हुआ है विज्ञप्ति में, हिमाचल प्रदेश में प्राथमिकता मिलती है। अगर आप पात्रता परीक्षा में बैठ गए आपके अच्छे नंबर भी आ गए लेकिन जब बीकानेर की विज्ञप्ति आई तब मान लो कोई प्राथमिकता का पेज फंसा, हालांकि अभी तो कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, ये अंतिम फैसला है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप तैयारी करने का दिमाग में है तो मेरा जो सजेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका जो फिर आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल ही, क्योंकि अगर आप पात्रता परीक्षा में कितने भी नंबर लाते हो अगर बीएसटीसी को प्राथमिकता मिल गई बीकानेर वाले जो विज्ञप्ति आएगी बाद में तो फिर आपके जो संभव ही नहीं है क्योंकि सीटें खाली होगी तब बीएड वालों को लिया जाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारे कंफ्यूजन हैं अभी, कोई मतलब इसमें कोर्ट क्या फैसला देगा इसको भी अभी हमें समझना बाकी है, क्या होगा वो आगे जो भविष्य के गर्त में जो छुपी हुई बातें हैं, फिलहाल की जो प्रोसेसिंग चल रही है। तो मेरा जो बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए सजेशन यही है कि आप अपना जो लेवल है उसकी बेस्ट तैयारी कीजिए। L1 वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी कर ही सकते हैं, बीएसटीसी वालों के लिए तो आपके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं, आपको तो अपना L1 ही तैयार करना है और ऐसा तैयार कर दीजिए कि आप किसी भी लेवल में कोई कितना भी स्टूडेंट ऐड हो जाए आप इजीली सिलेक्शन हो जाए। तो बस ये बातें थी, आपने सतर्क रह के आप अपनी तैयारी करते रहिए, बीएड वाले अपने लेवल की तैयारी करें, ऐसा ना माने कि कोर्ट के थ्रू सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों इसमें बीएड बीएसटीसी को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशन है, तो उस अकॉर्डिंग दोस्तों फैसला कुछ भी आ सकता है, वहाँ जज के सामने किस प्रकार की पैरवी जाती है, कौन सा वकील कितना स्ट्रांग है, कितनी पैरवी होती है, तो उस अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों पर ये बातें डिपेंड है। इसलिए आप इतना कॉन्फिडेंस होकर जो अपना जो मूल जो आपका कार्य L2 है उसको छोड़कर आप इधर की तैयारी ना करें, क्योंकि अगर आप पात्रता परीक्षा इसमें भी नंबर ले आएंगे लेकिन फिर अगर बाद में कोई प्रॉब्लम्स हो गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो सारी स्थिति रेट 2012 थी, आरटेट 2012 थी, उस समय भी हो चुकी है, जो हमारे साथी अनुभवी उन्हें अच्छे से पता है जिन्होंने पात्रता परीक्षा भी दे दी थी, उसके बाद जब एक एग्जाम होता था तो उससे पहले वहां पर जो है कोर्ट ने बाहर कर दिया था। तो इस प्रकार की स्थिति से हमें बचना है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अगर आपकी बेस्ट तैयारी है तो आप अपने लेवल में ही प्रभुत्व जमा लेंगे, ऐसा कहीं कोई जरूरत की बात नहीं है। दूसरी हमारे रेट वाले जो बीएसटीसी वाले साथी अपने अच्छे से तैयारी में लगे रहिए, दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बीएड वाले साथी हैं वो अपने लेवल की बेस्ट तैयारी कीजिए, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोर्ट अलाउ करता है तो आप जाके एग्जाम दीजिए, कहीं कोई इशू वाली प्रॉब्लम नहीं, आप एग्जाम दे सकते हैं, आप जो अपना स्टैंडर्ड्स है उस अकॉर्डिंग आप जो पेपर में है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ला सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जो बातें थी मैंने जो आपके सामने क्लेरिफाई की, और दोस्तों रिलेटेड और कुछ इश्यूज है आप जरूर कमेंट कर दीजिए।